तो एक्चुअली आज अपना थर्ड सर्विसिंग का प्लान था, और ये देखो ये हालत हो गई। अभी तो मार्च का महीना भी ख़त्म नहीं हुआ है और बारिश शुरू। क्या कर सकते हैं अभी? अपने साथ कुछ ना कुछ तो होना ही है जब अपना कोई भी प्लान बनता है। अभी कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा देर तो वेट करना ही पड़ेगा। वेलकम बैक टू चैनल गाइस। सो जैसे कि मैंने बताया कि अपना अभी थर्ड सर्विस होने वाला है आज, अपना हिमालयन का 10,000 किलोमीटर हो चुके हैं। अभी सीधे मोटर ब्लॉक पर मिलते हैं और मैं बताऊँगा कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। हालांकि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो सीधा मोटर ब्लॉक पर मिलते हैं। ओके, तो गोवा बॉर्डर ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हूँ मैं, और यहाँ से आई थिंक कुछ 10-15 मिनट लगेगा मुझे रॉयल एनफील्ड शोरूम में पहुँचने तक। तो जो इश्यूज़ मैंने बताए थे मेरे बाइक में जो मैं फ़ेस कर रहा हूँ, वो वापस से रियर ब्रेक का वो जो साउंड आता है, तो उसका तो सॉल्यूशन एक ही है, ब्रेक पैड्स क्लीन करना। उसके बाद अपना जो ये विंड वाइज़र जो आपने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा वाइब्रेट कर रहा है, और कुछ लोगों ने बताया मेरे को कि ये हेडलाइट के वजह से कुछ है, मतलब पता नहीं कुछ तो लूज़ है उसके वजह से वाइब्रेट कर रहा है, तो वो तो देखना पड़ेगा। और उसके अलावा तो अपना बेसिक सर्विस होगा, ऑयल चेंज वगैरह, और उसके अलावा मुझे पता नहीं कि 10,000 किलोमीटर्स में और क्या क्या चेंज होगा, वो अपडेट तो मैं आप लोगों को बाद में दूंगा ही। और उसके अलावा ये जो लेफ़्ट वाला मिरर है ये फिर से लूज़ हो गया, तो उसको भी टाइट करवाना है, और हैंडल का भी मुझे उनसे चेक कराना है। तो यही है थोड़े इश्यूज़ जो मेरे को अभी फिक्स करवाना है रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। और जो पार्ट्स का अपडेट था लास्ट वाला वीडियो, तो आप लोगों ने देखा होगा जो इश्यूज़ हुए थे रॉयल इनफील्ड के शोरूम में रिलेटेड टू पार्किंग बल्ब का पैनल का पार्ट्स और इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो कंप्लीट रिप्लेस करवाना था, उसका तो उन्होंने बताया कि वो लोग इसी कानपुर के शोरूम में भेजेंगे इन 2 वीक्स, और उन्होंने ये भी बोला कि वो लोग मुझे अपडेट करेंगे जैसे ही पार्ट्स यहाँ कानपुर के शोरूम में डिलीवर होगा। तो वो तो अभी लेट है होना, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा ये सब बेसिक सर्विस करा लेता हूँ, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 10,600 किलोमीटर हो चुका है, और एक छोटा सा राइड का भी प्लान है, वो कहाँ तो मुझे पता नहीं, वो जब होगा तो उस पर वीडियो ज़रूर आएगा। और काफ़ी बाइकर्स देखे मैंने अभी इसी रोड पे, शायद ये उसी रॉयल राइडर्स के ग्रुप से होंगे। तो बस यही है अभी तक का अपडेट, और बेसिक सर्विस कराने के बाद क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कितने का और कितने का बिल आएगा, ये सारा अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा। तो इन सब के अलावा और कोई इश्यूज नहीं है मेरे को बाइक में, बाकी सब तो बाइक बढ़िया चल ही रही है। और ये लो हम लोग पहुंच गए रॉयल एनफील्ड के शोरूम। धर्मेंद्र भाई का तो मैंने ऑलरेडी कॉल किया था। बढ़िया बढ़िया भाई, आप बताओ। ओके, तो बाइक अपनी अभी पूरी सर्विस हो चुकी है, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या सर्विसिंग हुई है इस बाइक पे। तो पहला जो इशू था विंड वाइज़र का, वो इशू इस वजह से था कि ये हैंडल, ये जो हेडलैम्प है इसका जो कनेक्शन है यहाँ पे, तो उन्होंने इसे यहाँ पे 3M टेप लगाया, जिसके वजह से अभी वाइब्रेशन बंद हो चुका है। और धर्मेंद्र भाई ने पहले भी 3M टेप लगाया था जो मैंने देखा नहीं था, वो 3M टेप निकल गया था, उसके वजह से ये इतना वाइब्रेशन हो रहा था। उसके बाद बेसिक ब्रेक पैड क्लीन हुए दोनों बाइक के, और इस तरफ अपना नॉर्मल ऑयल चेंज हुआ, कंप्लीट बाइक का ग्रीसिंग हुआ है। और उसके अलावा उन्होंने मैंने अपना हैंडल का भी इशू बताया था, तो हैंडल का इशू के लिए उन्होंने वापस से इस पार्ट को टाइट किया है,
मतलब उन्होंने बोला था इसे ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने अपने हिसाब से इसे टाइट किया और अब कोई इशू नहीं आ रहा है मुझे हैंडल बार का। मिरर भी टाइट हो चुका है और विंड वाइजर का जो वाइब्रेशन था वो भी जा चुका है। उसके अलावा बेसिक ग्रीसिंग किया उन्होंने, ये जो गियर शिफ्ट था यहाँ पे ग्रीस लगाया उन्होंने। बाद में जो स्टैनर रहता है यहाँ पे उसको निकाल के जो डस्ट पार्टिकल्स कलेक्ट हुए रहते हैं उसको क्लीन किया, और चेन लूप हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो चेन टाइट करने का ये जो नट था ये एक्चुअली गिर गया था, तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं, तो ये नया लगाना पड़ा। तो बस यही है बेसिक सर्विस इस बाइक की। तो थर्ड सर्विसिंग भी हो गई और बाइक काफ़ी मस्त दिख रही है और चलाने में भी मज़ा आ रहा है। तो अभी लग रहा है मेरे को मेरी बाइक एकदम ब्रांड न्यू है, और इस बाइक का वॉशिंग भी हो चुका है। और बाकी के जो पार्ट्स वगैरह आने हैं वो तो मैंने आप लोगों को बताया, जब आएगा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। उसके अलावा मैंने उनसे ये हैंडल बार भी चेक कराया था, क्योंकि मुझे लग रहा था ये कुछ स्टेबल नहीं है, थोड़ा वाइब्रेट कर रहा था। लेकिन वो धर्मेंद्र भाई ने बोला कि अभी कोई इशू नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से भी इसे चेक किया और बाकी सब बढ़िया, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है बाइक में। और बाइक तो अभी मैंने शोरूम से यहाँ तक मुझे कुछ 2 किलोमीटर होंगे मैंने चलाया और एकदम मज़ा आया। और बेसिकली जो टोटल सर्विस मुझे इस बाइक का पड़ा, थर्ड सर्विस, दैट इज़ 1,243, और 100 रुपीज़ चार्जेस एक्स्ट्रा था वॉशिंग का। सो वॉशिंग एक्चुअली बाहर से करानी पड़ती है। वैसे अगर थर्ड सर्विस का टोटल चार्ज अगर आप मेरे को बोलो तो दैट इज़ 1,243। और यहाँ स्क्रीन पे आपको इनवॉइस भी दिख रहा होगा जिसमें क्लियरली मेंशन किया है क्या क्या काम किए गए हैं सर्विस करने के टाइम। और यही था बेसिक डिटेल्स थर्ड सर्विस रिलेटेड। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट ऑन बिलो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।